जिले का एक ऐसा गांव जहां आज भी ग्रामीणों को अपने पुश्तैनी गांव जाने के लिए प्रशासन से परमिशन लेनी पड़ती है। उत्तरकाशी जिले के सुदूरवर्ती सीमांत क्षेत्र में बसा एक छोटा सा गांव जहां ग्रामीणों को अपने गांव जाने के लिए प्रशासन द्वारा परमिशन लेनी पड़ती है। इस गांव का नाम है नेलांग व जादुंग गांव। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान इस गांव के ग्रामीणों को नेलांग और जादुंग गांव से सुरक्षा की दृष्टि से गांव को हटा दिया गया था। अभी तक इन ग्रामीणों को उनके पुश्तैनी गांव में नहीं भेजा गया है। ग्रामीण अपने गांव को फिर से बसाने के लिए प्रशासन से कई वर्षों से मांग कर रहे हैं। 1962 के युद्ध को अब लगभग 60 साल हो चुके हैं, अभी भी इन ग्रामीणों को अपने पुश्तैनी घर जाने पर रोक है। यह ग्रामीण हर साल 2 जून को नेलांग व जादुंग अपने गांव अपने देवी देवताओं को पूजने के लिए जाते हैं। देवी देवताओं को पूजने के लिए अपने गांव जाने के लिए उत्तरकाशी प्रशासन से परमिशन लेकर जाना पड़ता है। अब इन ग्रामीणों की मांग है कि इन्हें अपना गांव नेलांग व जादुंग प्रशासन उन्हें सौंप दे। इनके गांव में भारतीय सेना का अभी तक अधिकार है। इस संबंध में इन ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। इन ग्रामीणों ने कहा है कि अपील करते हुए सेना ने जितने वर्षों तक इनकी जमीन का उपयोग किया उसका किराया दिया जाए, इस गांव को ग्रामीण पर्यटन और होम स्टे बनाया जाए, दूर संचार और परिवहन की सुविधा दी जाए, साथ ही इन ग्रामीणों को भारत सरकार द्वारा इन लोगों को रोजगार भी दिया जाए। नव भारत समाचार से ब्यूरो रिपोर्ट। सभा भगोरी रहने वाला ग्राम सभा पूर्व नेलांग से हूँ, और जिस तरह हम हर साल अपने माता की पूजा के लिए गांव के ग्राम देवता पंडव सब की पूजा के लिए हर साल जाते हैं, तो उसी जाने के लिए भी हमें सरकार से बिना परमिशन के जाने का इजाजत होने चाहिए। इतना अधिकार हमारा ग्राम पंचायत वालों को वहाँ के मूल निवासियों को कम से कम दिया जाए। ये दुर्भाग्य है कि यहाँ अभी तक हमको जो है बिना परमिशन के जाने नहीं दिया जाता है। मैं भवन सिंह राणा, ग्राम बगोरी, पूर्व प्रधान। हर साल की बात ही हम नेलांग जादुंग में देव पूजा के लिए जाते हैं और वहाँ सरकार द्वारा हमें परमिशन लेना पड़ता है, और कई सदियों से हम वहाँ पर देव पूजा के लिए जाते हैं, और हम चाहते हैं सरकार को इस परमिशन को हटाया जाए और इन्हें को हटाया जाए। साथ में इस जो परमिशन के लिए ग्राम प्रधान द्वारा इसे अनुमति दिया जाए। धन्यवाद।